कर गया, ठीक है ना। चलो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट 3 टू ग्राउंड स्टेट। अब एक इलेक्ट्रॉन है, पहले यहाँ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ए वन टू और ये ऑर्बिट 3। तो ये हम लोग के पास न्यूक्लियस है, समझना, ये हम लोग के पास न्यूक्लियस है और ए वन इक्वल टू वन और ये टू और ये 3 है। जब मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है और मैक्सिमम होती है इन्फिनिटी पर और उसकी वैल्यू 0 होती है, हमको पता है। अब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था यार? तो पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो एन इजिक्वल टू 3 में था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था एन इजिक्वल टू 3, और एन इजिक्वल टू 3 से डायरेक्ट जम्प मार दिया एन इजिक्वल टू 1 में, ग्राउंड स्टेट में जम्प मार दिया। तो ये जो थर्ड वाली की एनर्जी है वो ज़्यादा है और इसकी कम है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस आया वो एनर्जी इस फोटॉन के फॉर्म में बाहर आ गई होगी, क्योंकि एक ट्रांजिशन हुआ। तो हमेशा याद रखो कि एक ट्रांजिशन में एक ही फोटॉन बाहर आएगा। यहाँ से फोटॉन बाहर आ गया क्योंकि एक ट्रांजिशन डायरेक्ट हुआ ना, तो फोटॉन, एक ही फोटॉन बाहर आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये फोटॉन्स नहीं रहेंगे, फोटॉन रहेगा। तो एक ट्रांजिशन में एक ही फोटॉन रेडिएट रिलीज होता है, तो एक फोटॉन आ गया। अब इस फोटॉन को हम इरेडिएटेड फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे इंसिडेंट करा दिए। इस फोटॉन को यहाँ पर मैं एक मटेरियल लगा दिया फोटो सेंसिटिव, जो आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, इस टाइप का मैंने यहाँ मटेरियल लगा दिया और ये एनर्जी इंसिडेंट कर दिया फोटोन का। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, आ रहा समझ में? एक फोटॉन पड़ेगा तो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 100 फोटॉन पड़ गए तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। 100 फोटॉन पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 100 से कम होगी, तो एक फोटॉन पड़ेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये सही है, आइंस्टाइन का कहना था। द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, अब यहाँ से जो इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया इस फोटॉन ने निकाला, उस इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकना है, स्टॉप करना है, पूरी तरह से इसको मुझे रोकना है। तो अगर मुझे रोकना है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है, तो इसको कट ऑफ पोटेंशियल के बराबर मुझे मतलब पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, कट ऑफ पोटेंशियल, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 करने के लिए एनोड पे इतना लगाना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली चीज़ कुल मिला के। अगर अब देखो कट ऑफ पोटेंशियल वी सी की कैलकुलेशन करनी है यार, समझने की कोशिश करना, ये क्लियर है। और वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट। ये अब ये कहता है कि वर्क फंक्शन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब मतलब वी सी की कैलकुलेशन, पहले पूरी कहानी सुन लो। यहाँ से एनर्जी थर्ड से एनर्जी फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जम्प किया, एक इलेक्ट्रॉन जम्प किया, एक फोटॉन निकलेगा, उस फोटॉन को मैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे डाला और ऐसा हो रहा है कि फोटो वो सफिशियंट है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बनी। उस इलेक्ट्रॉन को मुझे अगर स्टॉप करना है तो मुझे कट ऑफ पोटेंशियल कितनी लगानी पड़ेगी, ये वाली चीज़ मुझे करना है। तो अब देखो, अगर मुझे कट ऑफ पोटेंशियल वी सी निकालना हो तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा यार, और काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा? आप यहाँ से जो एनर्जी पड़ा डेल्टा ई, इंसिडेंट एनर्जी पड़ रहा है इस मेटल पे, और वर्क फंक्शन भी पता है, तो आइंस्टाइन के इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और ला के यहाँ रख दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बहुत बार जेई मेंस नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो यहाँ से, तो अब हमारा टारगेट है आइंस्टाइन का इक्वेशन लगाना और एनर्जी कैलकुलेशन करना। तो जनरल एनर्जी इन एंथ ऑर्बिट में -13 दिया हुआ है, 6n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर थर्ड वाले के लिए देखोगे, थर्ड में n की वैल्यू 3 पे, तो -13.6 और ये 3² इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 9, तो यह आ जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज वॉट, दिस इज द एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। जब थर्ड में था इलेक्ट्रॉन, वहाँ मौज कर रहा था अच्छा खासा, तो उसके पास इतनी एनर्जी थी।
अब वो एक्चुअली जंप कर गया है ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 की हो जाएगी -13.6 और 1 का स्क्वायर मतलब -30। हाँ, तो यहाँ से ये वाली जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी डिफरेंस आया, वही तो उस मटेरियल पे इंसिडेंट हो रहा है। तो ये जो एनर्जी आया है, ये फाइनल जो है E3 ज़्यादा था, E3 - E1। तो E3 हमारे पास एनर्जी ज़्यादा था, और ये 3 -1.5 और माइनस और -13.6, तो ये आ जाएगा ये -12.1। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो एक्सेस एनर्जी है, यही एनर्जी फोटोन को मिल गई है, ठीक है, और वही एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाला। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन यहाँ लगा देते हैं, एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ से एनर्जी इंसिडेंट कितना आया बोलो, 12.1, और वर्क फंक्शन 5 पॉइंट, यहाँ से दिया हुआ था 5.1, तो यहाँ 5.1 और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब कट ऑफ पोटेंशियल चाहिए, तो ये यहाँ पर रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज़ ½ mv² और कट ऑफ पोटेंशियल EBC दैट इज 7E के इक्वल है। तो E ने E को ख़त्म कर दिया, तो कट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 7 वोल्ट इसका सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हम लोगों का डी ऑप्शन सही है। चलो।